हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल परामाउंट इंग्लिश स्टडी विद राजन सर। आप लोगों को जैसे कि आप मालूम है कि 2021 की वैकेंसी का एग्ज़ाम आप लोगों का बिल्कुल अब निकट है और इसके लिए जो आवेदन हुआ है टोटल आप समझ सकते हैं वो बहुत ज़्यादा संख्या में हुआ है। एवरेज कुल मिला के देखा जाए तो ये लगभग 12 लाख लोग आवेदन इसमें किए हुए हैं। टोटल तो वैसे आवेदन 14 लाख है, लेकिन उसमें से जो लोग 2 बार या 3 बार कर दिए थे या जिन लोगों का दोनों सब्जेक्ट में हो गया है, सब मिला करके इसको डिवाइड करने पर 12 लाख आवेदन हुए हैं दोनों मिला करके, जिसमें से लगभग 8 लाख टीजीटी के लिए और 5 लाख जो है वो आपका पीजीटी के लिए हुआ है करीब करीब औसत में। और आप ये देख सकते हैं कि हिस्ट्री जैसा सब्जेक्ट में जिसमें एक पद था उसके लिए जो है भी इतनी ज़्यादा संख्या में 500-400 लोगों का आवेदन हुआ है। ऐसे ही अदर सब्जेक्ट में भी आप देख सकते हैं, यहाँ पर आप स्क्रीन में सभी सब्जेक्ट का हमने डिटेल दे दिया है, आप इसको देख सकते हैं कि कितने अभ्यर्थी हैं और औसतम जो है एक पद पर कितने अभ्यर्थी हो रहे हैं, ये सारा डिटेल आपके सामने है। यानी कि कितने एस्पायरेंट्स हैं जो एक पोस्ट के लिए, एक पद के लिए कितने जो है एस्पायरेंट्स आपको देखने को मिल रहे हैं, ये आपके सामने सारा स्क्रीन पर हम आपको दे रहे हैं, इसको आप देख सकते हैं। यानी कि आप लोगों के लिए ये जो एग्ज़ाम है, ये परीक्षा जो है, ये आप लोगों का करीब है, निकट है। हाँ, बार बार बात आ रही है कि क्या एग्ज़ाम डेट टल जाएगा, मामला कोर्ट में गया है, ऐसी बातें आ रही हैं। अगर ऐसा कुछ न्यूज आता भी है, अगर कुछ होता भी है तो वो आपके साइट पर आएगा, आपके साइट पर वो आएगा, यानी कि upsessb.org पर वो आएगा, ये ध्यान रखेंगे आप लोग। और दूसरी बात ये कि एग्ज़ाम की तैयारी में, प्रिपरेशन में आप लोग लगे हुए हैं तो उसमें आप लगे हैं तो अच्छी बात है, वो लगे रहिए। एग्ज़ाम अगर टल भी जाता है या कोर्ट का कोई आर्डर आता है, जैसे कि बात हो रही है कि डिस्ट्रिक्ट में एग्ज़ाम ना कराकर इसको मंडल कमिश्नरी में कराया जाए, तो अगर ऐसा भी कहीं कुछ होता है, आर्डर आता है, तो एग्ज़ाम तो होगा, वो कमिश्नरी में होगा। हाँ, डेट टलने की बात है, अगर डेट कोर्ट आदेश देता है, आर्डर देता है कि डेट टला जाए, तो उसके लिए अलग व्यवस्था करनी पड़ेगी और बोर्ड को उसके लिए अलग से डेट फिर निर्धारित करने होंगे, वो अलग चीज़ है। लेकिन अभी तक ऐसा साइट पर कुछ देखने को तो नहीं मिला है। हाँ, यह है कि साइट पर जब कुछ आएगा तभी आप उसको ऑथेंटिक मानिएगा, और वैसे आप लोग अपना प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उसको करते रहेंगे। और रिजल्ट की बात है, पीजीटी आर्ट का रिजल्ट और सिविक्स पीजीटी जो फीमेल ग्रुप का रिजल्ट है वो अभी तक नहीं आ पाया, सब रिजल्ट निकलते चले गए, लास्ट में ही रुक गया है। इसके पीछे जो कारण है, आपको पहले हम बताए थे कि उसमें मैटर जो है एडवर्टीजमेंट में जो था वो, और जियो में जो है वो, उसको लेकर के मामला फंसा हुआ है। एक हुआ है जैसे कि पीजी लेवल पर आपका डिग्री, दूसरा क्या है कि आपका जो होता है एक टेक्निकल डिग्री, टेक्निकल का मतलब यहाँ पर यह है प्राविधिक कला से है, ये ध्यान रखेंगे, और वो प्राविधिक कला जो आपकी अनिवार्य रूप से मानी जाती है, तो पीजी लेवल पर क्या उसको माना जाएगा कि नहीं माना जाएगा, उसको लेकर के ये मैटर था, जिसके नाते लोग कोर्ट में गए थे और ये मैटर रुका हुआ था। तो ये मामला ही जो है इस समय कोर्ट में तो नहीं है, ये मैटर एक्चुअली अब है किसके पास, बोर्ड के पास है। अब बोर्ड को ये डिसाइड करना है, डिसीजन लेना है कि वो जो रिजल्ट निकालना है वो किस बेस पर निकालेंगे, वो एडवर्टीजमेंट के ही बेस पर निकालेंगे या जियो जो है उसके अकॉर्डिंग निकालेंगे, उस पर डिसीजन करके रिजल्ट उनको देना है। और वो रिजल्ट आपको वो इस सप्ताह में देंगे, ये भी आपको हम बताए थे, हो सकता है कि आज के बाद डेट में कभी भी आपको रिजल्ट देखने को मिल जाए। पीजीटी सिविक्स का भी यही स्थिति है, उसमें कुछ सीटों को लेकर के जो असमंजस था, जैसे पिछले की जो वैकेंसी थी उसमें कुछ सीट वहाँ पर जगह थे, कुछ जगह पर प्रमोट कर दिए गए थे, तो सीटों की संख्या आवंटन को लेकर के जो मैटर था अब वो दूर कर लिया गया है, अब वो रिजल्ट डिक्लेयर होगा साथ ही साथ। हमको लगता है दोनों रिजल्ट साथ में आएगा, पीजीटी आर्ट का और पीजीटी सिविक्स में फीमेल ग्रुप का, ये चीज़ होगा। और बाकी जो आपके पूछ रहे हैं कि सर हम लोग का जो बालक वर्ग का आया है टीजीटी आर्ट का, उनका कब तक सिलेक्शन नियुक्ति होगी, कुल मिलाकर के आपको बता रहे हैं 7 अगस्त के बाद ये प्रक्रिया शुरू होगी, इसके पहले नहीं हो पाएगा क्योंकि अवशेष पैनल आने के बाद और सारे कार्य होते हैं और उसके बाद उसकी प्रक्रिया प्रोसेस चलते हैं, तो 7 अगस्त के बाद ही हो पाएगा ऐसा संभव। हाँ, एक न्यूज है 2011 के जो
प्रिंसिपलशिप का मैटर था, वो आपका अगले महीने में होने का चांस बन सकता है, 15 अगस्त के पहले हो सकता है उसका कोई डिसीजन हो जाए। 2011 में जो कुछ डिवीज़न में जो मंडल में हो पाया था प्रधानाचार्य जी को लेकर के, तो उसमें 2-3 मंडल रह गया था जिसमें नियुक्ति नहीं हो पाई थी, प्रक्रिया साक्षात्कार नहीं हो पाया था, तो उसको लेकर के वो मैटर सॉल्व होगा। और जो 2013 का जो मैटर चला रहा है उसमें एक अवशेष पैनल या न्यूज़ की काउंसलिंग भी जो है वो देखने को मिल सकता है। हाँ, वेटिंग लिस्ट है, वेटिंग लिस्ट का डिसीजन आपको बताया थे कोर्ट के अनुसार, और आने वाले समय में आपकी वेटिंग लिस्ट आ सकती है, बिल्कुल आएगी, अंग्रेजी का हो चाहे इंग्लिश का हो, हिंदी का हो चाहे मैथ्स का हो, साइंस का हो, संस्कृत का हो, या अदर सब्जेक्ट है फिजिकल एजुकेशन का हो, आपका वेटिंग लिस्ट आना शुरू होगा तो सबका आएगा। राष्ट्रीय ग्रेट में भी जो है बात आ रही है कि उसका भी वेटिंग लिस्ट निकाली जाएगी, जो आपका एग्ज़ाम हुआ था उसकी भी वेटिंग लिस्ट आने के चांसेस बने हुए हैं। तो जो लोगों के मेरिट थोड़े बहुत कम हैं या आसपास हैं तो उन लोगों के होने के चांसेस तो बने ही हुए हैं, यह है आप लोगों के सामने अभी तक का। हाँ, असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्ज़ाम को बताए थे 30 अक्टूबर के बाद स्टार्ट होगा, 5 चरणों में होगा, वो दिसंबर तक चलेगा, और उसका जो इंटरव्यू है वो जनवरी फरवरी में होगा। और आपका इसके अलावा जो नेट का एग्ज़ाम है UGC नेट जिसको आप कहते हैं NTA, तो NTA जो नेट का एग्ज़ाम है वो आपका 20 अगस्त के बाद हो सकता है एग्ज़ाम आपका हो, ठीक है। ये आपके पास अभी तक जो जो हमारे पास था जानकारी वो आपको हमने दिया। चैनल देखने के लिए, वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत थैंक्स। हैव ए नाइस डे।